कल आपने पढ़ा था कि पारिस्थितिक तंत्र के तीन संघटक होते हैं, जैविक और अजैविक संघटक, जिनका अध्ययन हमने कल अच्छे से किया। आज हम ऊर्जा संघटक के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा संघटक के अंतर्गत हम सूर्य प्रकाश और सौर विकिरण को शामिल करते हैं। सौर ऊर्जा ही पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य चालक बल है, यानी सौर ऊर्जा नहीं होती तो पारिस्थितिक तंत्र में कोई क्रियाशीलता ही नहीं होती। पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का प्रवेश, जैसा कि कल आपने पढ़ा था कि पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का प्रवेश हरी पत्ती वाले पौधों यानी वनस्पतियों के माध्यम से होता है। ये हरी पत्ती वाले पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग वो स्वयं अपनी वृद्धि विकास के लिए करते हैं, साथ ही पौधों द्वारा बनाया गया यही ऊर्जा, पौधों द्वारा बनाई गई यही भोजन खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में भोजन के रूप में पहुंचता है। खाद्य श्रृंखला में जितने भी पोषण स्तर हैं, पोषण स्तर 1, 2, 3, 4, इन सभी में भोजन का संबंध है। तो पौधे जो भी भोजन एकत्र करते हैं वो खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में भोजन के रूप में पहुंच जाता है। सूर्य की सतह से जो सौर ऊर्जा होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। सूर्य की सतह से सौर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। तो सूर्य की सतह जिसको हम कोरोना कहते हैं, है ना, सूर्य की सतह जिसे हम कोरोना कहते हैं, तो कोरोना से जो सोलर एनर्जी होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचारित होती है, जिसे फोटॉन कहते हैं। इन छोटे छोटे विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचारित होते हैं, इन्हें हम फोटॉन कहते हैं। और जब यही सौर ऊर्जा पृथ्वी के सतह पर पड़ती है तो इसे हम सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी पर मानव समेत जितने भी जीवधारी हैं या वनस्पतियां हैं, इन सभी की ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। जितने भी जीवधारी या वनस्पतियां हैं, सभी की ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। और मानव समेत जितने भी जीवधारी हैं, ये सभी अपनी ऊर्जा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। हमें जो भी ऊर्जा मिलती है वो हमारे भोजन से मिलती है। हमारा भोजन क्या है? वनस्पतियों से बना है। वनस्पतियां अपनी ऊर्जा सूर्य ऊर्जा से प्राप्त करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी जीवधारी हैं वो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपनी समस्त ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से ही प्राप्त करते हैं। जितने भी जीवधारी हैं, वो जो भी साग सब्जी फल फूल या मांस खाते हैं, उनका सारा का सारा भोजन सौर ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप होता है। यहां तक कि अगर हम नाभिकीय ऊर्जा वाले ईंधनों को छोड़ दें, ऐसे पदार्थ जिनके नाभिक में ऊर्जा होती है, उदाहरण के लिए यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, अगर हम नाभिकीय ऊर्जा वाले पदार्थों को छोड़ दें तो जितने भी ईंधन हैं इस धरती पर, जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जितने भी ईंधन हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मेथेन, LPG, ये सभी ईंधन सौर ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप हो, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो, प्राकृतिक गैस हो, LPG हो, जिन्हें हम घर में जलाते हैं, मेथेन हो, ये सभी सौर ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है। क्योंकि इन सभी का निर्माण वनस्पति या तो इनका निर्माण वनस्पतियों से हुआ है या फिर इनका निर्माण जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है। तो चूंकि इनका निर्माण वनस्पतियों और जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है, इसलिए ये सौर ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, इनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि ये जीवों या वनस्पतियों के अवशेषों से मिलकर बने हुए हैं। उदाहरण के लिए हम कोयले को ले लेते हैं। एक अतीत काल में, पृथ्वी के भूगर्भिक काल में, एक जमाना था जिसे हम कहते हैं कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग बहुत बड़े बड़े वनस्पतियों का युग था। बहुत बड़ी बड़ी वनस्पतियां होती थी, जैसे आपने अवतार मूवी में देखी होगी, है ना, उसमें खूब बड़ी बड़ी वनस्पतियां दिखाई गई हैं। तो कार्बोनिफेरस युग में जो बड़ी बड़ी वनस्पतियां थी, पृथ्वी में हलचल हुई। हलचल होने के चलते ये सारी की सारी वनस्पतियां, यानी पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। कार्बोनिफेरस युग क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसमें पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा थी, मतलब वनस्पतियां बहुतायत से पाई जाती थी उस जमाने में, और वनस्पतियां खूब बड़ी बड़ी थी, इसलिए इसे हम कार्बोनिफेरस युग कहते हैं। तो जो पृथ्वी में हलचल हुई थी, ये सारी की सारी वनस्पतियां चट्टानों में पृथ्वी के नीचे दब गई। पृथ्वी के नीचे चट्टानों में जब ये दब गई तो ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक गई। ऑक्सीजन की आपूर्ति अगर होती रहती तो ऑक्सीजन क्या करता है? चीजों को खराब कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। जैसे ऑक्सीजन लोहे को भी खराब कर देता है, लोहे में जंग लगा देता है, यानी ऑक्सीजन जलाता है, हर वस्तु को जलाता रहता है, लोहे को भी जला देता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जलाने वाली गैस होती है। लेकिन जब ये वनस्पतियां कार्बोनिफेरस युग में हलचल के परिणाम स्वरूप जमीन के नीचे दब गई तो ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप हो गई।
इसलिए और साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप हो गई, इसलिए इन वनस्पतियों की ऊर्जा नष्ट नहीं हुई। ऑक्सीजन की आपूर्ति अगर ये खुले वातावरण में रहेगा कोई भी चीज, तो उसकी ऊर्जा नष्ट कर दी जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हर चीज को जला देता है। लेकिन चूंकि वनस्पतियां दबी रह गई, ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप हो गई, और साथ ही चट्टानों का दबाव पड़ा, और दबाव से क्या उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है। चट्टानों के दाब और ताप के परिणाम स्वरूप ये जो वनस्पतियां थी ये चट्टानों में परिवर्तित हो गई, इनकी संरचना में परिवर्तन हो गया, ये चट्टानों में तब्दील हो गई, जिसे हम आज कोयला चट्टान कहते हैं। कोयला चट्टानों के रूप में पाया जाता है, जैसे लगता है कि कोई पत्थर हो लेकिन बना है वो वनस्पतियों के अवशेषों से। तो ये जो कोयला चट्टान होता है, इसकी पूरी की पूरी ऊर्जा संचित है उसमें, खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप हो गई थी। जब हम कोयला जलाते हैं तो भीषण ऊष्मा निकलती है उसमें से, क्यों? क्योंकि अगर आप इतना कोयला लेते हैं तो दाब के परिणाम स्वरूप छोटा हो गया है, दबाव के परिणाम स्वरूप। अदरवाइज इतना बड़ा जो कोयला होता है ना, मान लेते हैं कि 50 ग्राम का कोई कोयला का टुकड़ा है, वास्तव में वो कई किलोग्राम लकड़ी के दबने से बना है, इसलिए उसमें तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो कोयला भी क्या है, सौर ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है, वनस्पतियों के दबने से बना, और वनस्पतियों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। तो कोयला सौर ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है। सभी ईंधन, चाहे वो पेट्रोलियम हो, एक टर्शियरी युग में समुद्र में बड़े बड़े जीव पाए जाते थे, टर्शियरी युग था, है ना। ये जीव जब मर जाते थे तो इनकी जो हड्डियां थीं समुद्र की तली पर बैठ जाती हैं, और साथ ही आप जानते होंगे कि समुद्रों में नदियों द्वारा हमेशा अवसादों का जमाव होता रहता है। समुद्रों में ये नदियों द्वारा जो समुद्रों में जो अवसाद उड़ेले जाते हैं, ये अवसाद लगातार एक दूसरे के ऊपर बैठते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये अवसाद धीरे धीरे चट्टानों का रूप ले लेते हैं। तो ये जो मछलियों या बड़े समुद्री जीवों के अस्थि पंजर थे, ये चट्टानों के नीचे दबते चले गए, समुद्री अवसादों के नीचे दबते चले गए। आप समझ पा रहे होंगे, एक तो ये बहुत बड़े बड़े जीव थे, इनके अस्थि पंजर भी बहुत बड़े बड़े होते थे, तो इनके जो अस्थि पंजर थे वो चट्टानों के नीचे दबते चले गए, ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप हो गई, है ना। दाब और तापमान बढ़ने के परिणाम स्वरूप वो मड में तब्दील हो गया, जो अस्थि पंजर थे वो मड में तब्दील हो गया, कीचड़ के रूप में तब्दील हो गया, काले रंग का होता है, उसी कीचड़ को हम निकालते हैं, है ना, उसी कीचड़ को निकालते हैं, उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। चूंकि समुद्र जीवों के हड्डियों से बना है, यानी कार्बनिक पदार्थों के दबने से बना है, इसलिए हड्डियों में जो भी ऊर्जा हो सकती है ना, समुद्री जीवों में जो भी ऊर्जा हो सकती है, वो सभी का सभी इस मड में सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप हो गई थी। तो जब इस मड को निकालते हैं तो इसमें से तमाम तरह के ऑयल प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे शक्तिशाली ऑयल होता है पेट्रोल। पेट्रोलियम तो इस पूरे मड को कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इवन जो मोमबत्ती हम जलाते हैं, कहने को तो मोम है लेकिन वो भी जलता है। इवन हम जो पेट्रोलियम जेली लगाते हैं उसे भी जलाएंगे तो जल जाएगा, क्योंकि वो तेल है, पेट्रोलियम जेली। ये सभी का सभी क्या है, उसे हम काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम, क्योंकि ढेर सारे ईंधन हमें प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोलियम समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से बना, समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों को ऊर्जा कहाँ से मिली, वनस्पतियों को खाने से मिली, और वनस्पतियों को ऊर्जा समुद्री जो समुद्री वनस्पतियाँ हैं, और समुद्री वनस्पतियों को ऊर्जा सौर ऊर्जा से मिलती है। तो इस तरह से पेट्रोलियम भी सौर ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है। इसी तरह से नेचुरल गैस, जिन्हें प्राकृतिक गैस कहते हैं, ये भी नेचुरल गैस का मुख्य तत्व क्या होता है, मेथेन होता है। तो नेचुरल गैस भी सौर ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस कोई अलग गैस नहीं होती है। धरती के भीतर जहाँ पेट्रोलियम ब्लॉक होता है ना, पेट्रोलियम ब्लॉक के ऊपर जो पेट्रोलियम का कुआं होता है, कोटर होता है, उस कोटर के ऊपर ही, चट्टानों के नीचे पेट्रोलियम के कोटर के ऊपर ही प्राकृतिक गैस तैरता रहता है। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से ही उत्पन्न होता है, क्लियर। तो ये भी सौर ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है। एलपीजी चूंकि पेट्रोलियम का जब हम रिफाइनरी में शोधन करते हैं, इस पेट्रोलियम की रिफाइनरी, उदाहरण के लिए जामनगर या मथुरा रिफाइनरी, वहाँ पर जब हम शोधन करते हैं तो एक गैस का रिसाव होता है जिसे हम थैले में भर लेते हैं, उसे एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसको। तो एलपीजी भी चूंकि पेट्रोलियम से निकला है, इसलिए एलपीजी भी जो आपके घरों में किचन में सिलेंडर में भरा हुआ है, वो एलपीजी भी सौर ऊर्जा का ही रूप है, जो नीले कलर की आंच निकालती है, है ना। एलपीजी का मुख्य तत्व क्या होता है, ब्यूटन, जो ज्वलनशील जो तत्व होता है वो ब्यूटन होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जहां भी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं,
चाहे किचन में एलपीजी के रूप में, चाहे अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल के रूप में, चाहे बिजली चला रहे हैं, ये बिजली भी तो कोयला या पेट्रोलियम के जलने से ही बनता है। बिजली किससे बनता है? कोयला या पेट्रोलियम के जलने से बनता है। तो जो भी ऊर्जा हम अपने चारों तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऊर्जा कुछ अलग थलग ऊर्जा नहीं है, ये सौर ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है। यानी इस पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य का खेल बहुत ही जटिल, रोचक और जबरदस्त होता है। सब कुछ गतिविधि यहाँ सूर्य से नियंत्रित हो रही है। मेथेन जो भी वनस्पतियां सड़ जाती हैं, जो भी जैविक तत्व और वनस्पतियां सड़ जाते हैं, उनसे मेथेन उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए धान के खेतों में क्या है, धान पानी में सड़ता है तो मेथेन गैस उत्पन्न होता है। जो बड़े बांध होते हैं उनमें जो जलीय वनस्पतियां सड़ जाती हैं, मृत हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो बड़े बांधों के नीचे दलदली क्षेत्र होता है ना, बांधों के नीचे दलदल होता है। तो उस दलदल में जब वनस्पतियां सड़ती हैं तो मेथेन गैस का रिसाव होता है। समुद्री तटों पर जो भी दलदली क्षेत्र हैं या मुख्य भूमि में जो भी दलदली क्षेत्र हैं, उन सभी दलदली क्षेत्रों में वनस्पतियां चूंकि सड़ती हैं तो उनसे मेथेन निकलता है। कोयला खानों से भी कभी कभी मेथेन का रिसाव हो जाता है ना। तो ये मेथेन भी सौर ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है। चूने में ऊष्मा क्यों होती है? आपने एक पदार्थ जानते होंगे, चूना पूरे भारतवर्ष में कहीं भी पाया जाता है। चूना एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो कि भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है। तो चूने में ऊष्मा क्यों होती है? चूना भी एक विशिष्ट प्रकार के जीवों के अस्थि पंजरों से बना है जो कि जमीन के नीचे दब गए। तो विशिष्ट प्रकार के जीवों के अस्थि पंजरों से बना है, इसीलिए चूना को जब हम पानी में डालते हैं तो उसमें से ढेर सारी ऊष्मा निकलती है। चूने में ऊष्मा इसीलिए होती है क्योंकि जीवों के अस्थि पंजरों के दबने से चूना बनता है। ये विशिष्ट प्रकार के जीव थे, और चूंकि जीवों के अस्थि पंजरों से बना है इसलिए सौर ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप है। चूने में जो ऊष्मा है, इसलिए चूनों को जलाने से ऊष्मा निकलती है। यानी कि नाभिकीय ऊर्जा को छोड़ दिया जाए, जैसे प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, नाभिकीय ऊर्जा को अगर आप छोड़ दें तो धरती पर जितने भी ईंधन हैं उन सभी का स्रोत सौर ऊर्जा ही होता है। वो सभी सौर ऊर्जा के ही परिवर्तित रूप होते हैं। जल बहती है, हवा बहती है, क्यों बहती है? जल बहती है तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, पवन चलती है तो उसमें भी गतिज ऊर्जा आ जाती है। बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा को हम रूपांतरित करके जल विद्युत बना लेते हैं। जल ऊपर से चट्टानों से गिरता है झरने के रूप में, तो नीचे टरबाइन लगा लेते हैं। जल में जो गतिज ऊर्जा है उसके चलते टरबाइन के जो डैने होते हैं, पंखे, वो घूमने लगते हैं ऐसे गोल गोल। परिणामस्वरूप टर्बाइन घूमता है तो बिजली उत्पन्न होती है, लेकिन टर्बाइन को घुमाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आई? वो जल की गतिज ऊर्जा से आई। इसी तरह से गुजरात के तटीय क्षेत्रों में, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा की अच्छी संभावना है, वहाँ पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में गुजरात का अव्वल स्थान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवा बहुत तेजी से चलती है, हवा तेजी से चलती है तो टर्बाइन लगा दिए जाते हैं खम्भों पर, जिनके पंखे घूमते रहते हैं हवा के दबाव से, और उनके घूमने से बिजली पैदा होती है। लेकिन वो टर्बाइन घूमा क्यों? क्योंकि हवा में गतिज ऊर्जा है। तो ये जल और हवा में गतिज ऊर्जा कहाँ से आई? इस पर्यावरण में ऊर्जा जितने नाभिकीय ईंधन को छोड़कर ऊर्जा के समस्त रूप सूर्य की ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप होते हैं। क्या आप इसे स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या आप इसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि अगर सूर्य नहीं हो पाता तो जल बर्फ के रूप में होता है ना, हिम के रूप में होता। सूर्य है इसीलिए हिम पिघलता है और जल प्रवाहित होता है, इसलिए जल की गतिज ऊर्जा का कारण सूर्य है। अगर सूर्य नहीं होता तो हवाएं नहीं चलती। सूर्य है इसलिए हवाएं चलती हैं। सूर्य है तो किसी स्थान पर तापमान अधिक पड़ता है तो वहां पर निम्न वायुदाब होता है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं चलती हैं। इसका मतलब हवाओं की गतिज ऊर्जा का कारण भी सूर्य है। हम जितनी भी प्रकार की ऊर्जा देखते हैं, जिससे भी बिजली बना रहे हैं नाभिकीय ईंधन को छोड़कर, जहां भी पनबिजली उत्पन्न हो रही है, पवन विद्युत उत्पन्न हो रहा है, ये सभी ऊर्जा का रूप, ये सभी सौर ऊर्जा के ही परिवर्तित रूप होते हैं, है ना। नेक्स्ट, सौर विकिरण। सौर विकिरण केवल उतना ही नहीं होता है जो सात रंगों से मिलकर बना हुआ है। सौर विकिरण में आमतौर पर हम जैसे इंद्रधनुष दिखाई देता है उसमें सात रंग होता है, या फिर अगर सूर्य के प्रकाश में आप फव्वारा छोड़ें, कृत्रिम रूप से कोई फव्वारा ऐसे छोड़ें, तो सात रंग बनते हुए उसमें दिखाई देते हैं। तो केवल सात रंगों वाला जो प्रकाश होता है, केवल वही सौर विकिरण नहीं होता है। सौर विकिरण जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, सौर विकिरण जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के होता है, के रूप में होता है, उसका स्पेक्ट्रम कहीं ज़्यादा विशाल होता है। उसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं या सोलर स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। तो जो सात रंगों वाला प्रकाश है वो सोलर स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही
छोटा भाग होता है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज आपने पढ़ा होगा जेके किताबों में, मैक्सवेल ने की थी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी। ये अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, इनके चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे बिना माध्यम के ही संचारित होती हैं, है ना। जैसे ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश हो या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे हो, इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, है ना। लेकिन जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही संचारित होता है, लेकिन प्रकाश यानी दृश्य स्पेक्ट्रम जिसमें 7 रंग होता है, 7 रंगों वाला जो प्रकाश है यानी जो दृश्य स्पेक्ट्रम है, प्रकाश को हम दृश्य स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? क्या प्रकाश दिखाई देता है? नहीं, प्रकाश नहीं दिखाई देता है। जलती हुई वस्तु दिखाई देती है या प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है वो दिखाई देता है। आप अंतरिक्ष में चले जाइए, वहां प्रकाश है लेकिन आपको कोई प्रकाश नहीं दिखाई देगी, चारों तरफ काला काला नजर आएगा। प्रकाश हम तभी महसूस कर सकते हैं जब वो किसी वस्तु पर जाकर पड़ेगी। प्रकाश दीवार पर पड़ता है तो महसूस होता है कि लाइट है, लेकिन अगर आपके आसपास से वस्तुएं हटा दी जाएं, अभी अचानक से कल्पना करिए कि आपके आसपास कोई वस्तु नहीं है, तो आपको प्रकाश दिखाई देगा? नहीं, तब चारों तरफ काला काला ही नजर आएगा। तो प्रकाश का अनुभव तभी होता है जब वो किसी वस्तु पर पड़ती है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो प्रकाशित होती है। कोई भी वस्तु उसी रंग की प्रकाशित होती है जिस रंग को वो रिफ्लेक्ट करती है। सूर्य में सात रंग होते हैं। कोई भी वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। अगर कोई वस्तु पीले रंग की दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कि उसने पीले रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दिया है। आप देखिए, ये जो बोर्ड है ये ब्लैक कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये किसी भी रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये 7 रंगों को अवशोषित कर ले रहा है, इसलिए काला दिखाई पड़ता है। तो हाँ, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है, और साथ ही जो दृश्य स्पेक्ट्रम यानी प्रकाश होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही छोटा भाग होता है। इससे पहले कि हम लोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर नजर डालें, सबसे पहले हम प्रकाश स्पेक्ट्रम यानी दृश्य स्पेक्ट्रम पर नजर डालते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम, प्रकाश को जब स्पेक्ट्रम से होकर गुजारा जाता है तो उसमें 7 रंग नजर आते हैं। ये 7 रंग ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार होते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैगनी। हाई स्कूल में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, विबग्योर। विबग्योर मतलब सबसे नीचे बैगनी होगा, उसके ऊपर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। तो ये विबग्योर कहते हैं। जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है उसमें नीचे से ऊपर की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे, तरंगों का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ अधिक होता जाता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे जो तरंग होगी उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। जैसे बोल रहा हूं वैसे ही लिखना है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे वाली तरंग का तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होगा, सबसे छोटा होगा, जबकि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर स्थित जो भी तरंग होगी, है ना, उसका तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होगा। तो हम विद्युत चुंबकीय तरंग के अभी एक छोटे भाग का अध्ययन कर रहे हैं जिसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम। तो स्वाभाविक रूप से दृश्य स्पेक्ट्रम में भी जो सबसे नीचे तरंग होगी, बैगनी रंग की जो तरंग होगी, बैगनी रंग की जो वेव है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, इंडिगो का अधिक होगा, नीला का उससे भी अधिक होगा, और सबसे जो दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश का होता है। क्लियर। तो ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। एक खासियत और है, जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा आवृत्ति घटती जाएगी। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है लेकिन इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है लेकिन इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। हम लाल रंग का प्रकाश दूर से सबसे दिखाई देता है जबकि बैगनी रंग का प्रकाश सबसे कम दिखाई देता है। जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाएगा और आवृत्ति कम होती जाएगी, उदाहरण के लिए लाल रंग, जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य दीर्घ होता जाएगा और आवृत्ति कम होती जाएगी, वो तरंगे दूर से ही दिखाई देती हैं। लाल रंग जिसकी आवृत्ति सबसे कम होती है और तरंग दैर्ध्य सबसे विशाल, सबसे दीर्घ होता है, उसे हम आमतौर पर यातायात साधनों में या चौराहे पर रेड लाइट के रूप में या ऐसे संकेतक के रूप में लगाते हैं ताकि दूर से पता चल जाए कि हाँ वहां पर प्रकाश जल रहा है। दृश्य स्पेक्ट्रम। अब हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में
केवल दृश्य स्पेक्ट्रम ही नहीं होता, केवल सात रंग का प्रकाश ही नहीं होता, बल्कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम से बहुत बड़ा होता है और दृश्य स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा भाग होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दृश्य स्पेक्ट्रम के अलावा दीर्घ और लघु तरंगे भी शामिल रहती हैं, इन्हें हम दीर्घ और लघु तरंगे कहते हैं। दीर्घ और लघु, ये बीच में दृश्य स्पेक्ट्रम है, आर से लेकर वी तक ये दृश्य स्पेक्ट्रम है। दृश्य स्पेक्ट्रम के ऊपर ये लाल है, रेड, रेड के ठीक ऊपर अल्ट्रा रेड होगा, रेड के ठीक ऊपर क्या होगा, अल्ट्रा रेड, जिसे हम अवरक्त कहते हैं। रेड के ठीक ऊपर अवरक्त होगा, यानी रेड, हम आपने क्या देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी और आवृत्ति घटती जाएगी। इसका मतलब जो अवरक्त स्पेक्ट्रम है, लाल के ठीक ऊपर अवरक्त किरणें होती हैं जिसे हम अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी अवरक्त स्पेक्ट्रम क्या है, दीर्घ तरंग है, इसका तरंग दैर्ध्य लाल से भी ज्यादा होगा लेकिन आवृत्ति कम होगी। क्लियर। अवरक्त स्पेक्ट्रम के ऊपर रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये सबसे ऊपर है, रेडियो वेव्स का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और आवृत्ति सबसे कम होती है। जब हम नीचे आते हैं तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो वेव्स, उससे कम तरंग दैर्ध्य अवरक्त किरणों का है, उससे कम तरंग दैर्ध्य लाल किरणों का है। जब हम नीचे आते हैं तो इसे हम कहते हैं वायलेट, यानी बैगनी। वायलेट दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, वायलेट का होता है। वायलेट के नीचे जैसे ही आएंगे अल्ट्रा वायलेट मिल जाएगा, पराबैगनी स्पेक्ट्रम, यानी पराबैगनी स्पेक्ट्रम वायलेट के ठीक नीचे होता है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के नीचे होता है एक्सरेस और उसके नीचे होता है गामा रेस। यानी दृश्य स्पेक्ट्रम के ऊपर दीर्घ तरंगे होती हैं और दृश्य स्पेक्ट्रम के नीचे लघु तरंगे होती हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के ऊपर दीर्घ तरंगे होती हैं जिसके अंतर्गत अवरक्त स्पेक्ट्रम और रेडियो वेव्स, और दृश्य स्पेक्ट्रम के नीचे लघु तरंगे होती हैं जिसके अंतर्गत तीन तरह की तरंगे शामिल हैं। वायलेट के ठीक दक्षिण में अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के दक्षिण में एक्स रेस और एक्स रेस के दक्षिण में गामा रेस। जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है उसका तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर होता है। इसका मतलब सबसे कम किसका होगा, वायलेट का होगा, 400 नैनोमीटर होगा, और रेड का कितना होगा, 700 नैनोमीटर होगा, है ना। इसके ऊपर जाने पर दीर्घ तरंगे मिलती हैं जिनका तरंग दैर्ध्य 740 नैनोमीटर से अधिक होता है। इनका जो तरंग दैर्ध्य है वो 740 नैनोमीटर से अधिक होता है। नीचे आने पर लगातार तरंग दैर्ध्य घटती चली जाती है। वायलेट का 400 नैनोमीटर होता है तो स्वाभाविक रूप से अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैगनी स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य 400 एनएम से कम होगा। तो इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 400 नैनोमीटर से कम होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटते हैं, इनको हम स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटते हैं, पहला रेडियो वेव्स और दूसरा माइक्रोवेव्स। ये जितना आपने स्पेक्ट्रम देखा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसको हम मोटे रूप में दो भागों में लेते हैं, पहला रेडियो वेव्स जो सबसे ऊपर है तो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होगा, सबसे दीर्घ होगा और इसकी आवृत्ति सबसे कम होगी, है ना, स्वाभाविक सी बात है। तो दो भागों बांटते हैं, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स के अलावा उसके नीचे जितने भी वेव्स हैं उन सभी को हम माइक्रोवेव्स में शामिल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को हम स्पेक्ट्रम को दो भागों में बांटते हैं, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स, इनका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम होती है। उसके नीचे माइक्रोवेव्स होते हैं, यानी अवरक्त स्पेक्ट्रम से लेकर गामा रेस तक, दृश्य स्पेक्ट्रम सहित, मैं दृश्य स्पेक्ट्रम के साथ बात कर रहा हूं, अवरक्त से लेकर दृश्य स्पेक्ट्रम, पराबैगनी, एक्सरे, गामा रेस तक, ये सभी को माइक्रोवेव्स में शामिल किया जाता है। स्वाभाविक रूप से माइक्रोवेव्स का तरंग दैर्ध्य रेडियो वेव की तुलना में छोटा होता है, लेकिन इनकी आवृत्ति रेडियो वेव से काफी अधिक होती है क्योंकि हमने बताया कि जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा आवृत्ति घटती चली जाएगी। तो रेडियो तरंगों की अपेक्षा इनकी आवृत्ति अधिक और तरंग दैर्ध्य कम होता है। उपरोक्त में से सबसे अधिक आवृत्ति अगर आपसे पूछी जाएगी तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी, सबसे अधिक आवृत्ति उसी की होगी जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, गामा रेस का होगा, है ना। कितना होता है,
लिखा हुआ है। और सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? रेडियो वेव्स की होती है। इनकी आवृत्ति सबसे कम होती है। जो टेलीविजन होता है, टेलीविजन जो हम देखते हैं वो किस पर आधारित होता है? टेलीविजन रेडियो वेव्स पर आधारित होता है। टेलीविजन रेडियो वेव्स पर आधारित होता है। और जो संचार उपग्रह होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिनके माध्यम से हम मोबाइल पर बात कर पाते हैं, तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, ये सभी माइक्रोवेव्स पर आधारित होते हैं। क्लियर। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी विकिरण जीवधारियों के लिए सबसे खतरनाक होता है। इसीलिए समताप मंडल में स्थित जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर लेती है और केवल उतना ही भाग धरातल पर पहुंचता है, पृथ्वी पर पहुंचता है, जो जीवधारियों के लिए जरूरी है या आवश्यक है, जितने से नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये चूंकि खतरनाक है जीवधारियों के लिए, इसलिए प्रकृति में समताप मंडल में स्थित ओजोन परत द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाशीलता, अब हम देखते हैं पारिस्थितिक। अब आपने ऊर्जा संघटक मेरे साथ अच्छे से पढ़ लिया, ऊर्जा संघटक से जो भी सवाल आएंगे अब आपसे नहीं छोड़ सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाशीलता देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक क्रियाशील इकाई है और इसकी क्रियाशीलता का मुख्य चालक बल क्या है? सूर्य है। पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशील इकाई, इसकी क्रियाशीलता का मुख्य चालक बल क्या है? सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? सौर ऊर्जा का प्रवेश कौन करता है? हरी पत्ती वाले पौधे करते हैं। फिर यही ऊर्जा विभिन्न खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में भोजन के रूप में पहुंचती है। तो ये जो ऊर्जा होती है भोजन के रूप में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर पहुंचती है, यानी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है पोषण स्तर 1 से लेकर पोषण स्तर 4 तक। कल आपने पढ़ा था ना कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, तो पोषण स्तर 1 से पोषण स्तर 4 तक ऊर्जा का प्रवाह होता है और फिर यह ऊर्जा कहां चली जाती है? वायुमंडल में चली जाती है और तंत्र को फिर से सुलभ नहीं हो पाती। खनिज का तो चक्रण हो जाता है लेकिन ऊर्जा का चक्रण नहीं होता। जितनी ऊर्जा सूर्य से आती है पारिस्थितिक तंत्र में, जो भी सौर ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में आती है, जितनी ऊर्जा का पारिस्थितिक तंत्र में निवेश होता है उतनी ऊर्जा का बहिर्गमन होता है। वो सारी ऊर्जा शोषण क्रिया के माध्यम से चली जाती है वायुमंडल में, यानी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पोषण स्तर 1 से पोषण स्तर 4 तक ऊर्जा का सतत रूप से प्रवाह चलता रहता है। ये जो पोषण स्तर 1 से पोषण स्तर 4 तक ऊर्जा का सतत रूप से प्रवाह चल रहा है, यही ऊर्जा खनिज तत्वों के संचरण को संभव बनाती है। इसी ऊर्जा के साथ साथ खनिज तत्वों का भी संचरण होता रहता है। कैसे? पौधे अपनी जड़ों से सूर्य से भोजन बनाते हैं, पौधों अपनी जड़ों से क्या लेते हैं? अपनी जड़ों से जल लेते हैं और खनिज तत्वों को लेते हैं। पौधे जो भी खनिज तत्व इकट्ठा किए हैं ये शाकाहारी जीवों में चला गया। शाकाहारी जीवों ने ऊर्जा ग्रहण किया किससे? पौधों से। और इसी ऊर्जा के माध्यम से जो खनिज तत्व है वो कहाँ चला गया? शाकाहारियों में। शाकाहारियों को मांसाहारियों ने खा लिया। तो ये ऊर्जा का तो स्थानांतरण हो ही रहा है, पोषण स्तर 1 से पोषण स्तर 4 तक ऊर्जा का स्थानांतरण तो हो ही रहा है, साथ ही खनिज पदार्थों अकार्बनिक पदार्थों का भी 1 से लेकर 4 तक स्थानांतरण हो रहा है। तो जो ऊर्जा के प्रवाह द्वारा ही विभिन्न पोषण स्तरों में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का संचरण संभव हो पाता है, यानी ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का संचरण भी संभव नहीं हो पाता। लेकिन तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी मार्ग का अनुसरण करता है। आपने देखा कि ऊर्जा के प्रवाह के माध्यम से खनिज पदार्थों का भी संचरण हो रहा है, लेकिन जानने वाली बात यह है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी मार्ग का अनुसरण करता है, क्योंकि विभिन्न पोषण स्तरों से होती हुई यह ऊर्जा वायुमंडल में चली जाती है और तंत्र को फिर से सुलभ नहीं हो पाती। इसलिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी मार्ग का अनुसरण करता है, जबकि पदार्थों का जो प्रवाह है वो चक्रीय मार्गों में संपन्न होता है। कैसे? पौधों ने अपनी जड़ों द्वारा खनिज पदार्थ लिया, है ना, ये खनिज पदार्थ शाकाहारियों में चला गया, फिर मांसाहारियों में चला गया, फिर सर्वाहारियों में चला गया, फिर एक समय आता है कि वनस्पति की भी मृत्यु हो जाएगी, शाकाहारियों की भी मृत्यु हो जाएगी, मांसाहारियों की और सर्वाहारियों की भी मृत्यु हो जाएगी। ये इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो काम शुरू होता है वियोजक जीवों का। ये वियोजक जीव मृत जीवों और वनस्पतियों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का सरलीकरण कर देते हैं जिससे खनिज पदार्थ फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं।
यानी जो जड़ों द्वारा मिट्टी से लिया गया था वो फिर से मिट्टी में ही चला गया। इसी को मैंने कहा कि ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशी मार्ग का अनुसरण करता है, लेकिन पदार्थों का प्रवाह चक्रीय मार्ग में संपन्न होता है। इसे आप बेकार का अध्ययन नहीं समझेंगे, ये सारा का सारा लिखेंगे और बाकायदे समझेंगे, क्योंकि आने वाले समय में पर्यावरण अध्याय से केवल यही नहीं पूछा जाएगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और आप बड़े मुस्कुरा के जवाब देंगे 5 जून को। आने वाले समय में पर्यावरण पारिस्थितिकी अध्याय से सवाल कठिन पूछे जाएंगे, लगातार कठिन होते जाएंगे। इसलिए ये कथन के रूप में आईएएस या पीसीएस परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, और साथ ही पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाशीलता आपसे मुख्य परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो जो भी बताया जा रहा है इसे मन लगाकर लिखिए और पढ़ते जाइए, छोड़ेंगे नहीं आप, एक भी लाइन को आप बेकार नहीं मानेंगे। कब क्या परीक्षा में पूछा जाएगा, मान लेते हैं कथन दिया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय मार्ग में संपन्न होता है, ज्यादा कुछ नहीं बताएगा। दूसरा कथन, पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का प्रवाह एक दिशी मार्ग का अनुसरण करता है, नीचे समूह बना दिया जाए, कथन एक सही है दो गलत है, दो सही है एक गलत है, दोनों सही या दोनों गलत है, आप कैसे चुनेंगे? आपने देखा हमने दोनों सेंटेंस गलत बोले, तो जब पढ़े रहेंगे तभी तो बताएंगे। तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो ऊष्मा गतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम का अनुसरण करता है। तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो ऊष्मा गतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम के हिसाब से संचालित होता है, या द्वितीय नियम का अनुसरण करता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है? तंत्र में जितनी ऊर्जा कहां से आ रही है? तंत्र में सूर्य से आ रही है, सिंपल सी बात है। तो तंत्र में जितनी ऊर्जा का निवेश होता है, तंत्र में ऊर्जा का निवेश किसके माध्यम से होता है? पौधों के माध्यम से होता है ना। तो तंत्र में जितनी ऊर्जा का निवेश होता है उतनी ही ऊर्जा का बहिर्गमन हो जाता है। इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र का कुल द्रव्यमान स्थिर बना रहता है। यह है ऊष्मा गतिकी का पहला नियम। अब ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ऊर्जा पोषण स्तर 1 से पोषण स्तर 4 तक पहुंचती है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ऊर्जा का स्थानांतरण पोषण स्तर 1 से होते हुए पोषण स्तर 4 तक होता है, यानी ऊर्जा एक पोषण स्तर से लेकर दूसरे पोषण स्तर में हमेशा स्थानांतरित रहती है, ट्रांसफर होता रहता है उसका। साथ ही ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम में ही शामिल है, साथ ही सभी पोषण स्तरों में श्वसन क्रिया हो रही है, सभी पोषण स्तरों में श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा का क्षय हो रहा है। एक तो ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण पोषण स्तर 1 से लेकर पोषण स्तर 4 तक, अर्थात एक पोषण स्तर से लेकर दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरित होती रहती है, साथ ही इन सभी पोषण स्तरों में श्वसन क्रिया के माध्यम से ऊर्जा का क्षय होता रहता है। ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में होता है, कैसे होता है कल बताया था, है ना, ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में होता है। इस प्रकार तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। बार बार आप ही पढ़ रहे हैं, तंत्र ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यानी तंत्र ऊर्जा के लिए खुले तंत्र की भांति काम करता है। हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है ऊर्जा को बंद नहीं करता है ना, तंत्र ऊर्जा के लिए खुले तंत्र की भांति काम करता है। जितनी ऊर्जा का निवेश होता है उतनी ऊर्जा का बहिर्गमन हो जाता है। तो आपसे कथन दिया जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के लिए बंद तंत्र की तरह काम करता है, नहीं, कथन गलत है, ऊर्जा के लिए खुले तंत्र की तरह काम करता है और पदार्थों के लिए बंद तंत्र की तरह काम करता है। पृथ्वी में जितने भी खनिज पदार्थ हैं कहीं बाहर नहीं जाते हैं, यहीं पे पौधों द्वारा लिए गए और फिर से यहीं पे मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी तंत्र ऊर्जा के लिए खुले तंत्र की भांति काम करता है और पदार्थों के लिए बंद तंत्र की तरह काम करता है। लेकिन तंत्र में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का संचरण चक्रीय मार्गों में संपन्न होता है। कार्बनिक और अकार्बनिक का संचरण चक्रीय मार्गों में संपन्न होता है, यानी पौधों की जड़ों द्वारा मिट्टी से जो भी अकार्बनिक पदार्थ लिए गए, यानी खनिज पदार्थ, यानी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इत्यादि लिए गए, ये अकार्बनिक यानी खनिज पदार्थ विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए अंत में जब ये विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए अपघटक जीवों द्वारा वियोजित कर दिए जाते हैं, मिट्टी में मिला दिए जाते हैं और फिर से पौधों के लिए सुलभ हो जाते हैं। कौन? पोषक पदार्थ, खनिज पदार्थों की बात कर रहा हूं, ये फिर से पौधों के लिए सुलभ हो जाते हैं, यानी पौधे पुनः अपनी जड़ों से इन्हें प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार सिद्ध हो गया, आपने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के लिए खुले तंत्र के रूप में काम करता है, लेकिन
पदार्थ के लिए बंद्र तंत्र की भांति काम करता है। प्रीलिम या मुख्य परीक्षा में सवाल यहां से नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम पारिस्थितिक तंत्र एक लंबा अध्याय है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का अध्ययन करेंगे और पारिस्थितिक तंत्र के अन्य नियमों का भी अध्ययन किया जाना बाकी है। साथ में पारिस्थितिक तंत्र का प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जैसे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थली पारिस्थितिक तंत्र, मैंग्रोव वन पारिस्थितिक तंत्र, दलदली पारिस्थितिक तंत्र, है ना। तो बहुत से अलग अलग, जैसे वर्षा वन पारिस्थितिक तंत्र, सवाना क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र, ये सभी क्षेत्रों से कुछ न कुछ सवाल प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बार बार। जब मैं पढ़ाऊंगा तब महसूस करेंगे कि यहाँ से तो सवाल हमेशा बनता रहता है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो अध्याय है, अभी 6 से 7 वीडियो, 5 से 6 वीडियोज में खत्म होगा। पारिस्थितिक को पढ़ने के बाद तब हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम पर्यावरण पारिस्थितिकी में जितने भी अलग अलग पक्ष हैं, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे जैव विविधता हो यानी बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे बायोम हो, हम इन सभी का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार।